लिखना, मात से भी गहरी नींद में जाना है। जिस तरह मुर्दे को उसकी कब्र से बाहर नहीं निकाला जाता, उसी तरह मुझे भी अपने लिखने की टेबल से कोई दूर नहीं कर सकता। हमारी आत्मा एक विशाल महल की तरह है, उसमें कई अनजान कमरे हैं। हर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। किताबें दरअसल उन तमाम तालों की चाबियां हैं। हमारे भीतर एक समंदर बर्फ की तरह जमा हुआ है। किताब कुल्हाड़ी की तरह होनी चाहिए जो इस बर्फ को तोड़ दे। जिन किताबों को हम पढ़ते हैं, अगर वे हमारे सिर पे मुक्का मारकर, हथौड़ा मारकर हमें जगा न दें, तो भला उन किताबों को पढ़ने का क्या फायदा। जवानी बहुत खुशगवार होती है, क्योंकि उसके भीतर वो क्षमता होती है कि वह सौंदर्य को देख सके। जिस किसी के भीतर सौंदर्य को देखने की क्षमता बची रहेगी, वह कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को मत तोड़ो, उसे पानी में मत डुबाओ, उसे बहुत ज्यादा तार्किक या लॉजिकल बनाने की कोशिश मत करो। आजकल के फैशन के हिसाब से अपनी आत्मा की एडिटिंग या संपादन मत करो, बल्कि तुम्हारे भीतर जितनी तरह के जुनून पल रहे हों, उन सबको पूरा करने के लिए पूरी बेरहमी के साथ कोशिशें शुरू कर दो। जैसा मैं बोलता हूँ, उससे बिल्कुल अलग तरीके से मैं लिखता हूँ। जैसा मैं सोचता हूँ, उससे बिल्कुल अलग तरीके से मैं बोलता हूँ। मुझे जैसा सोचना चाहिए, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मैं सोचता हूँ। इस तरह देखा जाए तो सब कुछ एक अंधकार की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। मैं स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो मैं खो गया। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं किसी को नहीं समझा सकता कि मेरे दिल के भीतर क्या चल रहा है। सच कहूं तो मैं खुद को भी नहीं समझा सकता। जिंदगी का क्या अर्थ है? जिंदगी का बस इतना ही अर्थ है कि एक दिन एक जगह जाके वो रुक जाएगी। जो चीज़ें अस्तित्व में नहीं हैं, जब हम उनमें बेहद गहरा, बेहद जुनून के साथ विश्वास करने लगते हैं, तब हम दरअसल उन चीज़ों की रचना कर देते हैं। इस संसार में सिर्फ वही चीज़ें अस्तित्व में नहीं हैं जिनकी हमने अभी तक ठीक ठीक तरीके से इच्छा नहीं की। नींद संसार की सबसे निर्दोष वस्तु है। जिस इंसान को नींद नहीं आती, वो शायद संसार का सबसे बड़ा गुनहगार है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप की जरूरत है। मैं क्या हूँ? मैं एक पिंजरा हूँ जो एक चिड़िया की तलाश कर रहा है। तुम मेरी जिंदगी का सुकून हो, तुम ही मेरे दिल की गफलत भी हो। प्यार क्या है? वो चाकू है जिसे मैं अपने सीने में भोंक लेता हूँ।
प्यार में, जिंदगी में एक जगह ऐसी होती है जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं होता। हमें हर कीमत पर उस जगह पहुँचना चाहिए। प्यार क्या है? आखिरकार इसे समझना बहुत आसान बात है। हर वो चीज़ जो हमारा उत्थान करे, हमारा विस्तार करे और हमारे जीवन को समृद्ध करे, हर वो चीज़ प्यार है। प्यार बिल्कुल मोटर कार की तरह होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। असली समस्या तो इस कार का ड्राइवर है, इस कार में बैठी सवारी है और वो सड़क है जिस पे ये कार चलती है। मैंने ताउम्र चाहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं और पूरी ज़िंदगी यही कोशिश करता रहा कि ख़त्म करने की इस इच्छा को ख़त्म कर दूं। बस यही संघर्ष मेरे भीतर लगातार चलता रहा। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्यार कर पाता हूं जिन्हें मैं अपने आप से ऊपर रख सकूं, ऊंचाई पे रख सकूं, इतनी ऊंचाई पे कि उचकने के बाद भी मैं उन्हें छू न सकूं। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं आगे भी तुमको दुख नहीं पहुंचाना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है मैं आगे भी तुमको दुख पहुंचाता रहूँगा। तो अंत में अब मैं तुम्हें चूम लूँ, इस कमबख्त कागज़ पे चूमूँ जिस पर मैं तुम्हें ख़त लिख रहा हूँ। मेरा मन तो ये भी कर रहा है कि मैं इस समय खिड़कियाँ खोल दूँ और रात की ठंडी हवा को भी चूम लूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि लिखे हुए चुंबन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। प्रेतात्माएँ बीच रास्ते में ही उन्हें झपट कर खा लेती हैं।